अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू चौधरी किचन। आई होप यू गाइस आर ऑल डूइंग वेल। तो आज मैं चिकन मैरिनेट करके फ्रीज करने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज करने का खास फायदा यह है कि जब भी घर में कोई मेहमान आए या फिर आप वर्किंग पर्सन हैं, तो इससे आपको बहुत सहूलत हो जाएगी। एनी टाइम फ्रीजर से निकाल कर बेक करें, बारबेक्यू करें और पैन में पकाएं एंड एंजॉय करें। वैसे भी आजकल काम ज्यादा होते हैं और टाइम कम, तो ये छोटी छोटी सी प्रिपरेशन जो हम पहले से करके रखते हैं तो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। इससे पहले के बातों का सिलसिला बढ़े और वीडियो को लंबा करें, तो जल्दी जल्दी चलते हैं हम अपने चिकन की मैरिनेशन की तरफ। तो इधर मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो चिकन। ये मैंने चिकन ड्रम स्टिक ली है, थाई समेत पूरी लेग्स ली हैं और इन्हें मैंने पूरा ही रखा है और ऐसे कट लगवा लिए हैं बुचर से। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से वॉश करके ड्रेन करने के लिए रख दिया है। जब तक ये ड्रेन होता है तो इन द मीन टाइम हम इसकी मैरिनेशन तैयार करते हैं। तो आज चलें मैरिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून शान का बारबेक्यू मसाला, आप किसी भी ब्रांड का ले लें। 1 टेबलस्पून चिकन ग्रिल स्पाइसेस, मैंने ये वाला ब्रांड लिया है, आप कोई भी ब्रांड ले लें। तो इसमें मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर। इसमें मैं सॉल्ट ऐड नहीं कर रही क्योंकि चिकन ग्रिल स्पाइसेस में ऑलरेडी काफी सॉल्ट है। तो यहां पर हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। इधर मैंने लिया बड़ा सारा लाइमन। 1 टीस्पून मैं ऐड करूंगी मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबलस्पून योगर्ट और इसमें मैं ऐड करूंगी 2 to 3 टेबलस्पून सनफ्लावर ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का ऑयल ले लें, वेजिटेबल ऑयल ले लें, कोई भी ऑयल ले लें। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट में हम ऐड करेंगे शान मसाला। चिकन ग्रिल मसाला एंड रेड चिली, 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबलस्पून योगर्ट, 1 और इसके साथ ही इसमें जाएगा लाइमन। तो हम इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी मैरिनेशन रेडी हो चुकी है, तो हम इसे अप्लाई करेंगे चिकन के ऊपर। इसे अच्छी तरह रब कर दें चिकन के चारों तरफ। यहाँ पर मैंने अच्छे से चिकन को मैरिनेट कर दिया है, अच्छे से सारे मसाले इसके ऊपर रब कर दिए। तो अब इसे मैं ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दूंगी। तो फिर इसे कैसे फ्रीज करना है तो इंशाल्लाह ताला वो आपको मैं बाद में बताऊंगी। तो मैंने चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में छोड़ दिया था ताकि सारे स्पाइसेस इसमें इन्हेंस हो जाए। तो इनको मैं इंडिविजुअली फ्रीज करूंगी क्योंकि इससे यह फायदा होता है कि आपने जितने पीस कुक करने हैं तो आप कुक करें, बाकी आप उसे बाकी सबको उसे फ्रीजर में ही रहने दें। तो अब इसको मैं फ्रीजर में डाल दूंगी उस वक्त तक जब तक ये अच्छे से फ्रीज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हमारा चिकन कम्प्लीटली फ्रीज हो चुका है, ये देखें। तो अब इसे मैंने लिया है जिप लॉक बैग, तो हम इसे डालेंगे जिप लॉक बैग में। ये देखें बहुत अच्छे से ये फ्रीज हो चुका है
और इंडिविजुअली मैंने फ्रीज किया है सारे पीसेस को। तो आप चाहें तो एक बड़ा जिप लॉक बैग ले लें या फिर दो ले लें, मेरे पास ये मीडियम साइज का है तो मैं इसे दो बैग्स में डालूंगी। तो अब ये बैग्स में मैंने डाल दिया है, तो इसकी एयर रिमूव कर दी है बैग से। तो अब ये जाएंगे फ्रीज़र में। तो आई होप आप लोगों को मेरा ये चिकन को मैरिनेट करके फ्रीज करने का तरीका ज़रूर पसंद आएगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन फॉर द न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।